हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबीता विश्वकर्मा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक इजी थाली जो 30 मिनट्स में बन जाएगी और बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली है ये थाली। तो अभी मैं थाली में क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तूर की दाल, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बड़ी कटोरी से तूर की दाल ले ली है और यहाँ पे मैंने जो है छोटे ग्लास से चावल ले लिया है, आप देख सकते हो। बासमती राइस है, आप कोई भी राइस ले सकते हो। और अब हम पहले इसे धोकर गैस पर चढ़ा देंगे, उसके बाद दाल तड़के की जो तैयारी है वो हम करके रेडी रख देंगे। जो 30 मिनट में हमारी थाली जो है रेडी हो जाएगी और थाली में क्या क्या रहेगा वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो चलिए फिर इसे धोकर हम गैस पर, मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और एक कटोरी जो मैंने दाल ली थी तो यहाँ पर मैंने दो गिलास छोटे गिलास से पानी ऐड कर लिया है दाल में। राइस को भी अच्छे से धो दिया है। अब हम दाल में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हम ऐड करेंगे हल्दी। अब इसे हम ढक्कन लगाकर गैस पे चढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने गैस पे राइस चढ़ा दिया है और एक तरफ मैंने दाल को चढ़ा दिया है। अब दाल में जो है 4 सीटी आ जाएगी तो हमारी दाल जो है पक जाएगी और राइस में भी अच्छे से हम पकाएंगे। तो चलिए दोनों को पका लेते हैं, राइस रेडी हो गया है कि नहीं। तो यस, राइस हो चुका, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है दाल रेडी हो चुकी है हमारी और मैंने दूसरे बर्तन में इसको निकाल लिया है। अब हम दाल को अच्छे से तड़का कर दाल तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने तड़के के लिए ले लिया है लाल मिर्च, 6 से 7 कली लहसुन, कड़ी पत्ता, धनिया और मैं घी से दाल तड़का करने वाली हूँ। और आपके पास तेल होगा तो तेल से कीजिए या तो घी से कीजिएगा। तो चलिए फिर अभी कलछुल को अच्छे से गरम कर लेते हैं, उसके बाद हम घी ऐड करेंगे। अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर जीरा। तो आधा चम्मच जो है मैंने जीरा ऐड कर दिया, इसको अच्छे से तड़कने देंगे। अच्छे से तड़क चुका है, अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर लहसुन। इसे भी अच्छी तरीके से हम लाल करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी कड़ी पत्ता और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम गोल्डन लाल कर देंगे। आप देख सकते हो अच्छे से जो है लहसुन लाल हो चुका है। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं यहाँ पे हम और अच्छे से दाल में तड़का लगा दें। ऊपर से हम जो है धनिया डाल देंगे, हरा धनिया, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है दाल फ्राई हो चुका है, हमारा दाल भी रेडी हो चुका है, राइस भी रेडी हो चुका है। चलिए फिर आगे की तैयारी हम यहाँ पे देख सकते हो, आधे घंटे में ये हमारी थाली रेडी हो गई है। अगर हमारे घर में सब्जी ना हो या हमें खाना बनाने का मन ना हो, जैसे बहुत कम समय है और झटपट खाना बनाना है, तो आप ऐसे 30 मिनट में आप थाली रेडी कर सकते हो। तो ये थाली में आप देख सकते हो दाल है, राइस है, ऑनियन है, पापड़ है और ये आम का अचार है और हरी मिर्ची है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोगों को ये थाली कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और